गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में अपना पार्ट 3 माँ ने कहा था को समझा था, चैप्टर पूरा कहानी हमने समझी थी, और आज हम इस पार्ट के कठिन शब्द, शब्दार्थ और कुछ अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम पहले अभ्यास से शुरू करते हैं। पेज नंबर 18 पर है पहला अभ्यास हमारा, अभ्यास नंबर 3 हम सबसे पहले कर रहे हैं इसका। ये अभ्यास आपको अपनी बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अभ्यास है हमारा किसने किससे कहा। तो हमने पाठ पूरा पढ़ा है, पूरी कहानी हमने समझी है, हमें पता है कि क्या किसने किसको कहा था, तो हम उसी को दिमाग में रख के, पूरी कहानी दिमाग में रख के हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आंसर्स अपने उसी हिसाब से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं संवाद, कि ये क्या संवाद हमें दिया गया है। तेरे पास भी कुछ है, तो हमें याद होना चाहिए कि ये किसने बोला था। तो अगर हम कहानी को वापस से याद करें तो हमें याद आएगा तेरे पास भी कुछ है, ये बात किसने कही थी। हमें याद है ये डाकू ने कही थी, और किससे कही थी, ये बच्चे से कही थी। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, किसने कहा, एक डाकू ने, ठीक है। किससे कहा था, बच्चे से। तो हमें कहानी याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन उत्तरों के या किसी भी अभ्यास के या प्रश्न उत्तरों के जवाब दे सकते हैं। अगर हमें कहानी नहीं पता तो हमें फिर जवाब भी नहीं पता कि कब क्या हुआ था या किसने किसको क्या कहा था। तो तेरे पास भी कुछ है, ये संवाद एक डाकू ने कहा था, और किससे कहा था, बच्चे से। तो हम यही इसका उत्तर लिख देंगे। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा संवाद है तेरे सोने के सिक्के कहाँ हैं। तो ये बात किसने कही थी कि सोने के सिक्के कहाँ हैं, ये हम याद करेंगे, और जब कहानी को सोचेंगे दिमाग में तो हमें याद आएगा ये बात सरदार ने कहा था। ये बात किसने कही थी, सरदार ने कही थी, और किससे कही थी, बच्चे से कही थी। तो हमें याद है कि सरदार ने कहा था और बच्चे से कहा था, तो हमें दोनों का उत्तर मिल गया। तीसरा संवाद, कभी झूठ मत बोलना। तो ये बात हमें किसने कही थी कहानी में, ये बात माँ ने कही थी, और किससे कही थी, बच्चे से। तो इस तरीके से हमने ये अभ्यास पूरा किया। पर इस अभ्यास के लिए, बल्कि सभी जितने भी अभ्यास हम करेंगे आगे भी या प्रश्न उत्तर करेंगे इस पाठ के, हमें कहानी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पूरी कहानी जब तक नहीं पता होगी तो आप किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्या काम है इस पाठ से रिलेटेड, आपको पहले पाठ पढ़ना है, आपको एक एक शब्द पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए कि वो शब्द क्या कह रहा है। जब आपको अर्थ समझ आएगा तो आपको कहानी समझ आ जाएगी, और कहानी समझ आते ही आप इन अभ्यास के उत्तर खुद से देने लग जाएंगे। तो हमने पहला अभ्यास पूरा किया, अभ्यास नंबर 3, ये आपको अपनी बुक में ही करना है। अगले अभ्यास पर चलते हैं। अगले अभ्यास में क्या कह रहा है, कहानी के घटनाक्रम के अनुसार संख्या लिखें। तो इसमें क्या करना है, हमने कहानी पढ़ी हुई है तो हमें पता है कहानी पढ़ने के बाद कि क्या घटना कब हुई, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और अंत में क्या हुआ। तो उसे पढ़ने के बाद, कहानी को पढ़ने के बाद हमें इसका घटनाक्रम पता है। घटनाक्रम मतलब होता है सीक्वेंस, कि कब क्या हुआ। तो हम पहले ये वाक्य पढ़ लेते हैं। ये वाक्य आगे पीछे लिखे हैं पर हम इन्हें एक सीक्वेंस, इन्हें 1, 2, 3, 4 नंबर दे के, 1, 2, 3, 4 नंबर दे के हमें इसकी कहानी का घटनाक्रम लिखना है। पहला पढ़ते हैं, बालक की बात से प्रभावित होकर सरदार ने लूटपाट छोड़ दी। दूसरा पढ़िए, डाकू काफिले पर टूट पड़े और लूटपाट करने लगे।
तीसरा, उसके पास 40 सोने के सिक्के थे। चौथा, बड़ा होकर यह बालक एक महान संत बना। पांचवा, उसने सारे सोने के सिक्के सरदार के सामने डाल दिए। अगला पढ़िए, व्यापारियों का काफिला नगर की ओर जा रहा था। अगला पढ़िए, एक डाकू उसे सरदार के पास ले गया। अगला पढ़िए, 9 वर्ष का एक बालक चुपचाप एक ओर खड़ा था। अगला पढ़िए, उसने सच सच बता दिया क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि कभी झूठ मत बोलना। तो हमने अपने सारे ही वाक्य पढ़ लिए। अब हमें इन वाक्यों का घटनाक्रम पता होना चाहिए कि कौन सा वाक्य किस नंबर पर आएगा। तो अगर हम सोचें तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले पूरी कहानी में व्यापारी और काफिला नगर की ओर जा रहा था, एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये, तो हमने इसके आगे 1 लिख दिया क्योंकि ये सबसे पहले हुआ। फिर अगर हम सोचें तो उसके बाद क्या हुआ था, लूटपाट हो गई थी और जो डाकू हैं वो काफिले पे टूट पड़े थे। तो मतलब घटना के हिसाब से दूसरे नंबर पे ये हुआ। फिर क्या हुआ था, फिर उस कहानी में 9 वर्ष का एक बच्चा था जो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, तो तीसरे नंबर पे ये वाला वाक्य हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम कहानी सोचें तो उस बच्चे से पूछा गया था कि तेरे पास भी कुछ है, तो इससे रिलेटेड तो हमारे पास वाक्य नहीं दिया गया, पर उस बच्चे के बाद इस कहानी के अनुसार उस बच्चे ने कहा था उसके पास 40 सिक्के हैं, तो ये वाक्य तो हमारे पास है, तो इस पे हम डाल देंगे 4 नंबर। फिर उसके बाद क्या हुआ था, डाकू जो है उस बच्चे को सरदार के पास ले गया, तो घटना के अनुसार ये हो गया नंबर 5। फिर क्या हुआ था, फिर उसने सारे सोने के सिक्के सरदार के सामने डाल दिए थे, तो ये हो गया 6 नंबर पर। ठीक है, फिर घटना में क्या हुआ था, उसने सच सच बता दिया था क्योंकि उसकी माँ ने उसको झूठ बोलने के लिए मना किया था, तो ये हो गया 7 नंबर पर। फिर क्या हुआ था, फिर उस बच्चे की सच्चाई से जो उसने सच बोला था उससे प्रभावित होकर सरदार ने लूटपाट छोड़ दी थी, तो ये हो गया 8 नंबर। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उस बच्चे के बारे में बताया गया था कि वो बच्चा बड़ा होकर संत बन गया था, तो ये हो गया आखिरी नंबर पर 9। तो बच्चों, आपको ये सीक्वेंस तभी पता होगा अगर आपने कहानी अच्छे से ध्यान से पढ़ी है और आपको पूरी कहानी पता है। तो इसके लिए आप पहले ध्यान से कहानी पढ़ें, तभी आपको इस घटनाक्रम को आप कर पाएंगे, इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरा अभ्यास पूरा किया, ये भी आपको बुक में ही करना है। ये 5 नंबर पे जो हमें अभ्यास दिया गया है, इसमें लिखा गया है बालक के बारे में 4 वाक्य लिखें। तो हमें इस एक्सरसाइज में बालक के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। इन वाक्यों में हम क्या लिखेंगे, पहला हम लिख सकते हैं क्या, बालक झूठ नहीं बोलता था। बालक के बारे में हमें क्या पता है, सबसे पहला पॉइंट कि बालक झूठ नहीं बोलता था, यह हम लिख सकते हैं बालक सत्य बोलता था। दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं बालक 9 वर्ष का था, ये भी हमें कहानी से पता लगा। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा हम लिख सकते हैं बालक बड़ा होकर महान संत बना।
महान संत बना। ठीक है, चौथा हम क्या लिख सकते हैं, बालक के पास सोने के सिक्के थे, ये हम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहानी से पता लगी। तो और बालक के बारे में चार वाक्य लिखने थे, तो ये चार वाक्य बालक के बारे में ही हैं कि वो झूठ नहीं बोलता था, बालक झूठ नहीं बोलता था, बालक 9 वर्ष का था, बालक बड़ा होकर महान संत बना, बालक के पास सोने के सिक्के थे या सोने के 40 सिक्के थे। हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर वो बच्चे से रिलेटेड, बालक से रिलेटेड होना चाहिए। अगले अभ्यास पे देखते हैं, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। चलिए अब हम अगली अभ्यास करते हैं, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि वाक्य क्या है, उससे उसी वाक्य से हमें, उस वाक्य को पढ़ के हमें पता लगेगा कि इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। गलत उत्तर भी दिए गए हैं, सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा चारों में से। काफिले पर टूट पड़े, पहला है सैनिक, डाकू, आदिवासी, विदेशी। तो हमने कहानी पढ़ी है और हमें कहानी पढ़कर ये पता है कि कहानी में काफिले पर कौन टूट पड़ा था, डाकू। तो ये बात हमें पता है। ठीक है, अगले पर चलते हैं, खै पर, बालक के पास सोने के सिक्के थे, 20, 30, 40, 50। तो ये तो हम बार बार पढ़ते आए हैं कि बच्चे के पास 40 सोने के सिक्के थे। अगले पर देखते हैं, डाकुओं का सरदार बच्चे से प्रभावित हो गया क्योंकि बच्चा सच बोल रहा था, बच्चा भोला भाला था, बच्चा बहुत सुंदर था, बच्चा बहुत होशियार था। तो हमें पता है कि कहानी में ऐसा कुछ आया ही नहीं, ये तीन वाक्य तो आए ही नहीं। तो क्या आया था, बच्चा सच बोलता था, बच्चा सच बोलता था और कभी भी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए डाकू या सरदार सभी बच्चे से प्रभावित हो गए। तो हमारा ये अभ्यास भी हो गया। ये अभ्यास भी आपको अपनी बुक में ही करना है, अपनी किताब में ही करना है ये अभ्यास भी। तो इस पाठ की हमने अभ्यास 3, अभ्यास 4, अभ्यास 5 और एक ये एक्स्ट्रा बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हमने किए हैं। और ये हमें उत्तर तभी पता होंगे जब हम कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए इस पार्ट में हम आज इतना ही करेंगे, अगले में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप कहानी पढ़िए और ये एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तीनों चारों अभ्यास बहुत इजी हैं और ये पार्ट से ही रिलेटेड हैं, तो आपको इनके उत्तर भी पता होंगे अगर आपने अच्छे से कहानी पढ़ी होगी। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए कहानी को और इन उत्तरों को खुद से कीजिए, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। इस वीडियो में इतना ही, अगली में हम प्रश्न उत्तर और कुछ एक और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, पर उससे पहले आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न उत्तर के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें कहानी पूरी पता हो। तो आप कहानी बिल्कुल पढ़ के एकदम रेडी रहिएगा, एक्सरसाइज करिएगा और फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।